हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों, मेरा नाम है शारिक और मेरे यूट्यूब चैनल एस के यूनिक टेक में आपका स्वागत। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप अपने मोबाइल नंबर को घर पर ही अपने बैंक से कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। आज मैं आपको फुल डिटेल में आज ये आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लेना, ताकि सारी अपडेट हमारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वरना फिर आप कहोगे यार किस तरह से रजिस्टर्ड करना है, फिर आप कमेंट सेक्शन में तमाम उल्टी सीधी बातें पूछोगे मुझसे। तो यार आप पहले ही क्यों ना वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, आपका चाहे कोई सा भी बैंक हो, पंजाब हो, SBI हो या फिर HDFC या कोई भी यूनियन ग्रामीण बैंक, कोई भी बैंक आपका हो, तो आपको मोबाइल नंबर किस तरह से रजिस्टर्ड करना है वो भी घर पर बैठे, तो आप यार काफ़ी। तो देखिए गाइस, आपको यार रजिस्टर्ड करना है इस तरह से। आपको सबसे पहले देखिए, घर पर तो मोबाइल नंबर आप रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हो। सबसे मेन बात तो ये है कि आप घर पर मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। ये अभी तक ऑप्शन ऑनलाइन में दिया ही नहीं, किसी भी बैंक ने अभी तक ये ऑप्शन ऑनलाइन में नहीं दिया कि आप घर पर रजिस्टर्ड कर सकते हो। अगर आपको कोई ऐसा वीडियो बनाकर दिखा रहा है तो यार वो आपका बेवकूफ़ बना रहा है, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। तो भाई आप ऐसी वीडियो, फेक वीडियो पर ध्यान मत देना। अगर वो आपको कुछ इस नंबर दिखाएं, इन नंबर पर आप मैसेज कीजिए, यहाँ से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा, तो ये आपका सब एक फेक वीडियोस है जिनका आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं करना है। आपको जाना है अपने सीधे बैंक में, जो भी आपका नियर बैंक है, आपके करीब में जो बैंक पड़ता है, आपको वहां पर जाना है। आपको वहां से एक फॉर्म मिलता है, जिस फॉर्म को आपको फिल करना होता है। फॉर्म के ऊपर आपको नाम डालना होता है, उसके बाद आपको अकाउंट नंबर डालना होता है, उसके बाद आपको जो मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड कराना होता है उस मोबाइल नंबर को आपको वहाँ पर फिल कर देना है। एंड इसके बाद आपको उस फॉर्म को वहाँ बैंक में जमा कर देना है। और जब आप जमा कर देते हो तो गाइस यहाँ से आपको एक दो तीन दिन के अंदर वहाँ से मैसेज आ जाएगा, दिस मोबाइल नंबर इज़ रजिस्टर्ड योर बैंक अकाउंट। तो जब आपका ये मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड हो जाएगा, तभी आप, मतलब कहने का बात है कि आप सीधे बैंक से ही रजिस्टर्ड करा सकते हो, आप अपने घर पर रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको कुछ ऐसे वीडियोस भी मिल रहे हैं तो गाइस वो फेक वीडियोस है, आप उन पर ध्यान मत दीजिए। तो गाइस यार यहाँ पर आपको जेन्युइन ट्रिक मिलती है, एकदम जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो गाइस यार वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर भी अगर पहली बार है ना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और सब्सक्राइब कर देना।